हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपने फेस पे फेस मास्क, फेस पैक, कई तरीके के DIY, कई तरीके के हम फेसियल करवा लेते हैं, कई तरीके की क्रीमें लगा लेते हैं, कई तरीके के बॉडी लोशन, मतलब सारा कुछ ट्राई कर चुके होते हैं अपने फेस को ग्लो बनाने के लिए। और कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार हमें ये लगता है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, मतलब हमें जो DIY है वो एक बार बस बना ले, रोज रोज का झंझट ना करना पड़े और हमारा जो फेस है वो एकदम से ग्लो करता रहे। तो दोस्तों रुकिए, आज का जो वीडियो है वो आप सबके लिए है, क्योंकि आज एक ऐसा DIY आप सबके लिए लेके आई हूँ। एक दिन मेहनत करेंगे, 20 से 25 दिन आराम से ये जो मेहनत है ये आपकी काम करने वाली है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ एक साबुन, एक DIY साबुन। इससे आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। मैंने इस सोप को बनाया, मैंने इसको यूज किया अराउंड 5 से 6 दिन या 1 वीक ऐसे मैंने यूज किया, एंड इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला मुझे इस DIY साबुन से, एंड मैंने सोचा ये जो DIY है ये आप लोगों के साथ शेयर करनी ही चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से मैं ये जो DIY साबुन है ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज का जो DIY साबुन है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी से मैं एक साबुन बनाने वाली हूँ और इससे जो आपका फेस है वो बहुत ज्यादा चमकने और दमकने वाला है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है दोस्तों, इसको एक बार बनाना है ये जो साबुन है। एक साबुन अगर आप बना लेते हैं तो आराम से 20 से 25 दिन आपका जो साबुन है वो चल जाता है। उसके बाद अगर आपका खत्म हो जाता है तो फिर से बना लीजिए, क्योंकि बरसात चल रही है और बरसात में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में साबुन जो है वो बना के रखेंगे तो हो सकता है कि धूप ना लगने की वजह से जो साबुन है वो खराब हो जाए। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगी कि आप एक बार में एक ही साबुन बनाएं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ना इसको कुछ पकाना है ना कुछ करना है, बस आराम से इजी तरीके से बन जाता है ये साबुन। तो आप जब भी आपका खत्म हो जाए, 2-4 दिन रह जाए, तब आप इस साबुन को बनाइए और बस यूज कीजिए। दोस्तों ये जो मुल्तानी मिट्टी का साबुन है इसको बहुत ज्यादा देर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसको एज ए फेस पैक के तरीके भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो सोप की तरीके यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि मुल्तानी मिट्टी को अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो ये हमारी स्किन को ड्राई बना देती है, लेकिन दोस्तों अगर हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं, मतलब हम इसको लगा के नहीं बैठते, क्योंकि जब लगा के हम हर एक वीक में, मतलब एक वीक में पूरे दिन 5 से 6 दिन 8 दिन इसको अगर लगा के बैठते हैं, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, कभी लोग ओवरनाइट के लिए लगा लेते हैं, अगर हम इस तरीके से लगाते हैं ना तो मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस से एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो सोख लेती है और जो हमारा फेस है वो एकदम से रफ हो जाता है, ड्राई हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका साबुन यूज करते हैं दोस्तों, कोई भी बंगला नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको साबुन लगाना है, फेस पे लगाना है, हल्का सा मसाज करना है और अपना जो फेस है उसको वॉश कर लेना है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और यकीन मानिए, जब आप एक साबुन से नहा लेंगे ना, मतलब एक जो साबुन है वो आपका फिनिश हो जाएगा, आपके फेस पे लग चुकेगा, आपको यकीन हो जाएगा कि इससे अच्छा साबुन कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि केमिकल वाले इतने सारे फेस वॉश और साबुन आ रहे हैं, इससे जो हमारा फेस है बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है एंड बहुत सारे पिंपल्स निकल रहे हैं, सारा कुछ हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। तब दोस्तों ये मुल्तानी मिट्टी का जो साबुन है ये यूज कीजिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, चलिए अब देख लेते हैं इस मुल्तानी मिट्टी के साबुन को कैसे बनाना है। तो आइए देख लेते हैं हमें क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा नींबू, और यहाँ पे मैंने लिया एक विटामिन ई का कैप्सूल, और हमें चाहिए होगा यहाँ पे गुलाब जल, चंदन पाउडर, ग्लिसरीन, यहाँ पे मैंने कस्तूरी हल्दी ली है, यहाँ पे आप नॉर्मल हल्दी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया ये मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का ही जो साबुन है वो हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे लिया है मुल्तानी मिट्टी। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए यहाँ पे एक खाली बाउल, इसमें हम मिक्स करके बनाएंगे। हमें चाहिए कॉफी पाउडर, जो भी कॉफी आपके पास इजी तरीके से मिल जाए आप वो वाली कॉफी ले सकते हैं। और इस तरीके के चाहिए हमें मोल्ड, अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को ग्रीस कर लीजिए ऑयल लगा के, और उसमें आप, या वैसलीन लगा के उसमें आप ये जो साबुन है वो जमा सकते हैं। अब कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये कॉफी पाउडर, इससे जो कलर है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे लिया है कॉफी पाउडर। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ नींबू, आधा नींबू है ये, तो इसी में हम निचोड़ देंगे। और अब यहां पे मैं ले रही हूं ये विटामिन ई का कैप्सूल। इसके बाद डालना है हमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच ग्लिसरीन,
लगभग आधा चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ कस्तूरी हल्दी, लगभग एक चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ चंदन पाउडर, और दो चम्मच मैं भर के डालूंगी यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे मैं आयुर की मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। इस तरीके से आपके पास जो भी मुल्तानी मिट्टी है वो आप ले सकते हैं। तो मैं दो चम्मच के लगभग भर के डालूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं एक साबुन ही बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी या सर्दी का मौसम है तब आप थोड़े ज्यादा साबुन बना के स्टॉक लगा के आप चाहें तो फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बरसात की वजह से केवल एक साबुन जो है वो बना रही हूँ। अब हमने क्या लेना है, अब हमें गुलाब जल लेना है। यहाँ पे आप पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुलाब जल का यूज कर रही हूँ अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर मैं गुलाब जल का यूज करूंगी तो यहाँ पे भीनी भीनी जो खुशबू है वो आएगी और आपका चेहरा है वो बहुत ज्यादा निखरेगा। आप क्या करना है, यहाँ पे जितना भी ये आपने लिया है मटेरियल, इसको सबको बहुत ही अच्छे से गूंद लेना है इसी गुलाब जल की मदद से। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि इसमें जो गुलाब जल है वो थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो ये आपका जो बैटर है वो गीला हो जाएगा, फिर वो साबुन नहीं बन पाएगा, फिर तो आपका एक पैक की तरीके बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके पानी डाला, तो ये देखिए इस तरीके से इसका जो पेस्ट है वो बन गया है इस तरीके से। बस लुगदी जैसा ही आपको बनाना है। और आपको क्या करना है, आपको अब इसको जमा देना है। मैंने जैसे पहले बोला था कि मैंने एक साबुन ही बना रही हूं, तो बस एक साबुन ही इससे बनेगा। और अब हम इसको, ये जो लुगदी है, ये जो बैटर है, इसको लेके और अब हम मोल्ड में इसको जमा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो बैटर है ये बन गया है और अब इसको हम जमा देंगे। तो ये देखिए, ये मैंने मोल्ड में यहाँ पे इस तरीके से जमा के रख दिया है। अभी ये जमा नहीं है, मैंने इसको अभी फिल किया है। अब आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए, या आप चाहें तो इसको रात में बना रहे हैं अगर आप, तो ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिए। सुबह तक आप देखेंगे कि ये जो साबुन है ये बनकर एकदम से रेडी हो गया होगा, मतलब जम गया होगा। तो दोस्तों देखा आपने, इस साबुन को इस तरीके से बना लेना है और बस आपको इसको फ्रिज, अगर फ्रिज में रख देते हैं तो ये जो साबुन है थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, अगर इसको आप बाहर रखते हैं तो ये थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का रहेगा। तो मैं इसको आपसे यही बोलूंगी कि आप इसको फ्रिज में रखें, तब आप इसको सेट कर लें, उसके बाद आप थोड़ी सी सूखी जगह में रखें। अगर आप अपने वॉशरूम में इसको रख रहे हैं तो आप इसको थोड़ी सूखी जगह में रखें, नहीं तो ये मुल्तानी मिट्टी है बहुत ही अच्छे से सेट नहीं होती है तो ये पिघलती रहती है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। बाकी ये जो साबुन है बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप भी जो फेस है अपना ग्लो लाना चाहते हैं अपने फेस में, तो आप भी इस साबुन को जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए और यकीन मानिए एक बार आप लगा लेंगे ना तो आपको लगेगा कि सबसे अच्छा साबुन जो है वो मुल्तानी मिट्टी का है। तो आप भी बनाइए इस साबुन को और आपके जो अनुभव है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।